welcome back to my channel. This is your girl Nargila Lakhva Sherpa. If you are new to my channel, please subscribe to my channel. आज हम ब्लॉग करेंगे हिंदी में. सो आज हम लोग जा रहे हैं मेरा बच्चे का आधार कार्ड का अप्लाई करने के लिए. सो मैं और मेरा हस्बैंड इधर और बेबी से हाय एंड माय फ्रेंड वी आर गोइंग टू आई एंड अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं. सो मैं दिखाऊंगी आप लोग को. सो देखते रहिए. सो आज का वेदर देखिए इतना अच्छा है. सो ये देखिए हमारा रास्ता तो ऐसा है गल्डंग गुल्डंग. बहुत अच्छा वेदर सनी डे. हम लोग पहुंच गए इधर ये बच्चा स्टेशन घूम स्टेशन. घूम स्टेशन ट्रेन रेडी है. आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने गई थी. सो आज बंद है क्योंकि ईद के वजह से है क्लोज है. अब हम लोग मेरे माँ के घर जा रही है जा रही हूँ मैं और मेरा बच्चा और मेरा फ्रेंड. उसके बाद हम लोग जाएंगे पशुपति नेपाल. सो आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी. सो देखते रहिए. हम लोग माँ के घर पहुँच गए. हेलो छोरी की खा को वो खा रहे प्रिंकल्स. ये रेस्ट कर रहे थक के. पापा इधर मासू डाल रही है और मैं इधर माँ का वेट कर रही हूँ. माँ नीचे है आ रही है. हम लोग का इधर आ गए सिमराया जो ये बाड़ी का इधर ही फ्रेश एकदम. ये देखिए एकदम अच्छा आज इसका सब्जी खाएंगे हम लोग. हेलो इधर है मेरी मम्मी. हेलो इधर है ये दोस्त. हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे पति का. वो कब आएगा तो हम नेपाल जाएंगे. सो आप लोग को भी दिखाएंगे. अब हम लोग फिर घर जा रहे हैं. घर जाने के बाद उधर से ही जाएंगे पशुपति. सो अभी लेट हो रहा है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे पति वेट कर रहा है हमारा. इधर बहुत ठंड है अभी तो. सुबह कितना अच्छा मौसम था आफ्टरनून में तो मौसम सब चेंज हो गए. सब फगी फगी डे हो गए. मैं दिखा दूंगी आप लोग को भी फगी देखे. अब ऐसे हो गए मौसम सब फगी. सुबह इतना अच्छा था ना. अब देखिए अब हम जा रहे हैं फिर से घर भी पहुंच गए हम. अब हम गाड़ी में जाएंगे. ये है मेरा भाई विवेक. अब इधर से चले जाएंगे हम. इतना ठंड है कि हम लोग कपड़ा भी चेंज कर लिया घर में आके क्योंकि बहुत ठंड है. दिन में तो इतना अच्छा था ना लेकिन डे टाइम में बहुत ठंड हो गए. सो कपड़ा भी चेंज कर लिया. इधर मेरे फ्रेंड ने भी चेंज कर लिया. सो बेटी को तो मैंने अच्छे गर्म ही पहना रखा हूँ. सो ये तो इससे है इसको तो ठंड नहीं हो रहा है. ये देखिए फॉगी ऐसा है सुखिया का रास्ता में और बारिश भी हो रहा है. फॉगी की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. अब देखिए इधर सुखिया में तो इतना साफ है दिन लेकिन वो सुखिया का रास्ते में इतना फॉगी था. ऐसे वेदर चेंज होता है इधर ठाउं ठाउं में. तो मेरा हस्बैंड इधर शॉप पे जा रहे हैं क्योंकि उसका दोस्त है उधर पशुपति में. सो उसके घर भी जाना है थोड़ा इधर निकलना है उधर इसलिए थोड़ा कुसली वगैरह लेके जाना है ना इसलिए वो उधर से शॉपिंग कर रहे हैं. सो हम लोग इधर वेट कर रहे हैं. मेरा बेटी भी सो गई. ये देखिए कैसे मेन सुखा है मेन. अब हम लोग नेपाल आ चुके हैं. ये देखिए वेलकम टू नेपाल है. सो हम लोग एंट्री हो रहे हैं इधर. अब वो जा रहे हैं इधर सुविधा बोलते इधर वो काटने के लिए. ये ऊपर जाना पड़ेगा. सो वो ढूंढ रहे उसका. सो ये है
एक कट करके लिए कितने रुपए लगे? कितना? 50 रुपए. Only 50 रुपीस. बाजार में दे दे. तर ओनली बाजार जाने के लिए ये पास काटना पड़ेगा. ये 50 रुपीस है सिर्फ. सो इसको अंदर रखेंगे इधर. सो हम लोग चलेंगे. ये सब मिलते इधर. स्ट्रगिङ हुँदैन उसो त मेरोसम्म दाजु नमस्ते भन्दैछु अरे. हाँ लाल वाला हमारा एक आंसू छोड़ दियो. क्या किन्नो? मम्मा मुझे मिठाई. कौन सी मिठाई? करंट है? करंट उतार इस. लोग खरीद रहे करंट एंड पे. सो दिन तो छोरी खट्टू अंडा किसको? अब दिँदैन अङ्कलले एउटा भन्दै वान मात्रै दिँदैन त यहाँ त यहाँ किनिदिन्छु भनेको माथि. ओके बच्चे के लिए सब हमने खरीदा इधर से. कोले किन्यो? ये बेटी को देखे इतना सारा कुछ ठग लिया है काकी को. अब हम पशुपति जाके भी आए. सो अब हम मेरा हस्बैंड का दोस्त के घर जा रहे हैं इधर से. सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. उधर होम स्टे भी है, रेस्टोरेंट भी है, सब कुछ है. बहुत अच्छा है. पापा को फ्रेंड को माँ. सो आप लोग को भी दिखाएंगे. ये है उसका फ्रेंड का घर और होम स्टे. सो इधर हमारे गाड़ी. सो इधर रेस्टोरेंट. ये सब उसका जगह है. ये सब पार्किंग और इधर भी बन रही है. सो ऐसा है. ये देखिए फ्लावर तो बन नहीं सकते. ये इतना अच्छा है. लिया छैन? इतना अच्छा है. इधर सब पार्किंग एरिया. सो इधर पे टॉयलेट. ये है फ्लावर हाउस. देखिए ओ बेगुनिया. हेर न यत्रो त्रो भइसक्यो नि बेगुने. कत्रो आइसकेको छ भो बेगुने त कम त रोपेन जस्तो त. अब हम लोग का टी आ गए हैं. अब हम लोग इधर से निकल रहे हैं अपने घर के रास्ते की तरफ. ये देखिए अब हिल स्टोन आ रही है इधर. ओ बारिश का मौसम में इतना बड़ा बड़ा स्नोफॉल जैसा हो रहा है. बहुत अच्छे. देखिए देखिए
ये बिस्कुट बिस्किट ढूंढ रही थी, बहुत अच्छा होता है ये। बहुत बारिश आ गई इधर सूखे में, सो ये बिस्किट ढूंढ रही थी। ये क्योंकि दार्जिलिंग में नहीं मिलता है इसलिए इधर सिर्फ सूखे में मिलता है, बहुत टेस्टी होता है ये बिस्किट, सो मुझे मिल गए। सो अभी मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, बारिश हो रहा है। मेरी बेटी ने ये खरीद लिया, ये देखिए ये इतना ठगते हमको, है देखो ना ये छोरी यो खेले कौन था ये देता ही। सो अब हम रिटर्न हो रहे घर तरफ। सो अब हमारे सब काम भी खत्म हो गए, आज का ब्लॉग इतना ही था। सो कैसा लगा आप लोग बता दीजिए मुझे कमेंट में। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।